कि हम खारिज कर देंगे, लेकिन दो तीन दिन बाद यानी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। हमारा यही मुतालबा है कि आज आप फिर फौर किसी वक्त क्यों नहीं खारिज करते, कि आप ये जुलूस खत्म कर दें, ये रैली खत्म कर दें, और हम आपसे वादा करते हैं आप इत्माद करें। हमने कहा कि आप रिटर्न तौर पर लिख कर दें कि आप खारिज करते हैं, तो हम ये तमाम एहतियात खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई बात नहीं कोई बात नहीं बताई। अभी तक वो ये समझ रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि ये मजाक है। वो इस तमाम रैली को, इस एहतजाज को जो आवाम फर्स्ट टाइम से लगे हुए और ये कर रहे हैं, वो इसे संजीदा नहीं ले रहे, लेकिन उन्हें महसूस हो जाएगा अगर उन्होंने आधा घंटा या घंटा यही काम रखा जारी और यही मजाक बना रखा, तो उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये हकीकत है या ये डीपीओ डीपीओ तो नहीं आया। नहीं जी, अभी तक डीपीओ या डीसीओ नहीं आया। वो कह रहे हैं शेख सुहेल साहब जो ताजलाल के यहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी यही मुतालबा किया है कि जो डीपीओ या डीसीओ जब तक वो नहीं आएगा हम कोई मुजाकरा नहीं करेंगे। मामला के खिलाफ क्या था हमारा मामला के खिलाफ, और हमने पुलिस उस वक्त डिफेंस फ्राम किया जब ये दो फोड़ ये होने वाले ये जो शर्पर पसंद अनासर हैं, उस वक्त हमने इन्हें डिफेंस फ्राम किया और ये हमारे खिलाफ भी इन्होंने झूठे पर से हमारा बाबा के खिलाफ कल से खड़े आगे क्या जमानी और शिबाब मिली के हवाला से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये हक है। मैं समझता हूँ कि ये जो इंतजामिया है वो हमारी है, तो हमें हमारा हक भी मांगना नहीं देता। अगर हम आए हैं, हमने एहतियात किया है और हमने एहतियात किया है, तो उसका हक भी हमें नहीं दिया जा रहा। उनका हम पे पर्चे काटे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जो है वो बेजा के इल्जाम बहुत लगाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं सारे पूरे पाकिस्तान को, अपने मुल्क की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब तक हम एक मुट्ठी में एक जो लड़ी में जो हमारे अल्लाह और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि एक रस्सी को मजबूती से थाम लो, जब तक हम ये नहीं करेंगे, एक रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे, तब तक हमारी फलाह और हमारे हक में नहीं मिलेगी। मैं इंतजार करूंगा, इतिहास करूंगा कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं उनके उनपे चल के देखें। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह रसूल के बनाए हुए कवानीन पे अमल नहीं करेंगे, उनको नाराज नहीं करेंगे, हमारी जो निजात है वो हमारी वो मुमकिन नहीं है। दूसरे नंबर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बाबा मुहम्मदी के जमात इस्लामी का एक अपना सरकार होने की वजह से हमारी इंतजामिया है ये ठीक नहीं होगी, हमारे मैच में ठीक नहीं होंगे। हिंदू में कल शादी है।